अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है आप सबके घर वाले भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको फ्लफी एग बनाना सिखाऊंगा। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बस थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 eggs, उनकी मैंने जो जर्दी है वो अलहदा कर ली है और सफ़ेदी जो है वो अलहदा कर ली है। तो अब हम सफ़ेदी को अच्छी तरह जो है वो फेंटेंगे और उसको फेंटने के बाद हम फिर जर्दी को फेंटेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सफ़ेदी को अच्छे से फेंट लेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने जो सफ़ेदी है उसको अच्छे से फेंट लिया और इसकी हमने अच्छे से झाग बना ली है। तो अब हम जो है वो जर्दी को इस तरह फेंट लेंगे और अच्छे से 3 से 4 मिनट इसको फेंटने के बाद इसकी भी इस तरह की हम शेप बना लेंगे। तो अब हम ये इनको अच्छे से मिला देते हैं। अब आपने इसको लो फ्लेम पे पकने देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, और आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना है कि चिपक तो नहीं रहा। इसको भी कर लेना और ये रखे मक्खन इसके नीचे डाल देना। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। इसमें नमक डाल देंगे थोड़ा सा और साथ ब्लैक पेपर डाल देंगे। अच्छे से इसके ऊपर ब्लैक पेपर आ गई और इसके बाद हम इस पे थोड़ी चीज डाल देंगे। जी दोस्तों, ये हमने बना लिया अपना फ्लफी एग और ये इंतहाई टेस्टी है। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है। ये आप अपने घर में आराम से बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची है इसकी स्किन, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही डिलीशियस। शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।